अ बॉडी ऑफ मास 1 kg इनिशियली एट रेस्ट, तो एक बॉडी रेस्ट पे है, एक्सप्लोड्स एंड ब्रेक्स इनटू 3 fragments, तो कितने टुकड़े हो जाते हैं बॉडी के, 3 टुकड़े हो जाते हैं, ऑफ मासेस इन द रेशियो 1:1:3, तो जो टोटल 1 kg का मास है वो डिवाइड हो जाता है 1:1:3 में, द 2 pieces ऑफ इक्वल मास फ्लाई ऑफ परपेंडिकुलर, तो एक पीस इधर एक्स एक्सिस में तो एक पीस वाई एक्सिस में परपेंडिकुलर चले जाते हैं, तो और स्पीड दोनों की कितनी है 30 एंड 30, आपको ये बताना है व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द हैवियर फ्रैगमेंट, तो तीसरा पार्टिकल कहाँ जाएगा, ये थ्योरी में हमने लास्ट टाइम किया था। तो पहले काम करते हैं, 1 kg का मास है, कितनी रेशियो में डिवाइड करना है, 1:1:3, तो पहला हिस्सा 1, तो इसको कैसे डिवाइड करते हैं, 1 / 1 + 1 + 3 × 1 kg, और दूसरा हिस्सा कितना 1 / 1 + 1 + 3 × 1 kg, तीसरा हिस्सा 3 / 1 + 1 + 3 × 1 kg, तो रेशियो प्रोपोर्शन आती है सबको, तो 1 kg को आपने डिवाइड किया 1:1:3 में, ये पहले हिस्से का मास है, ये दूसरे हिस्से का मास है और ये तीसरे हिस्से का मास है, तो एक मास आया 0.2 kg, दूसरा आया 0.2 kg, तीसरा आया 0.6 kg, कोई डाउट इसमें? तो इस क्वेश्चन में अगर हम एक चीज़ देखें तो एक पार्टिकल है वो कहाँ पे गया, वो इस तरफ गया, दूसरा पार्टिकल कहाँ पे गया, वो वाई एक्सिस में गया, तो जो पहला पार्टिकल है जिसका मास कितना है 0.2 kg अभी मैंने निकाला, और कितनी वेलोसिटी से गया 30 meters per second से क्या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, राइट। जो दूसरा पार्टिकल है उसका मास कितना है 0.2 kg और वेलोसिटी कितनी है 30 meters per second है, क्लियर है यहाँ तक? तो ये एक वेलोसिटी, दूसरी वेलोसिटी, तीसरे पार्टिकल को हर हालत में यही आना पड़ेगा, लास्ट टाइम डिस्कस किया था ना हमने, अब ऐसा क्यों आना पड़ेगा उसका लॉजिक समझो, ये एक पार्टिकल का इनको मोमेंटम क्या होगा, देखो P1 मोमेंटम क्या होगा, मोमेंटम क्या होता है मास इनटू वेलोसिटी, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 6, तो इसका मोमेंटम कितना आ गया 6, ठीक। उसी तरीके से इस पार्टिकल का मोमेंटम भी क्या आएगा, P2 = मल्टीप्लाई करो कितना मास इनटू वेलोसिटी 6, तो दोनों पार्टिकल 6 एंड 6 दोनों आपस में 90 डिग्री पे हैं, तो दोनों का अगर मैं रिजल्टेंट निकालूं, रिजल्टेंट तो दोनों का नेट मोमेंटम यहां आएगा जिसकी वैल्यू क्या होगी अंडर रूट ऑफ 6 का स्क्वायर + 6 का स्क्वायर, कोई डाउट इसमें? तो इस केस में क्या होगा, नेट मोमेंटम दोनों का अंडर रूट ऑफ 6 स्क्वायर + 6 स्क्वायर, बिकॉज मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब मुझे पता है कि जब बॉम्ब नहीं फटा तो टोटल मोमेंटम क्या आएगा 0, और अगर एक्सप्लोड हो गया तो उस केस में एक पार्टिकल का मोमेंटम कितना है 6 का स्क्वायर + 6 का स्क्वायर, और दूसरे का मोमेंटम जिसका मास 0.6 kg निकाला था विद अ वेलोसिटी ऑफ v, दूसरे का मोमेंटम नेगेटिव में होगा ही होगा, ताकि इनका एडिशन के बाद आंसर क्या आ जाए 0, तो यहाँ से v कैन बी कैलकुलेटेड। तो पॉइंट समझ में आ रहा है, लास्ट टाइम डिस्कशन की थी हमने, पहले 2 पार्टिकल लेने हैं, इनका रिजल्टेंट ले लेना है, और तीसरे पार्टिकल को इसके ऑपोजिट जाना पड़ेगा ताकि ये मोमेंटम और ये मोमेंटम आपस में कैंसिल हो जाए, तो यहाँ से v कैन बी कैलकुलेटेड। पॉइंट क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट इसमें? तो समझ में आ रहा है, लास्ट टाइम थ्योरी में किया था पर न्यूमेरिकल कैसा आएगा, ये पॉइंट क्लियर है? तो यहाँ से वी कैन बी कैलकुलेटेड निकाल लेना इसका आंसर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, डिस्क जिसका मास है 10 g इज केप्ट फ्लोटिंग हॉरिजॉन्टली बाय थ्रोइंग 10 marbles per second, तो बेसिकली वो कह रहा है एक डिस्क है हवा में रेस्ट पे है। अब ये जो डिस्क है ना, ये एक्चुअल में हवा में रेस्ट में आ नहीं सकती, आप हवा में रेस्ट लेके आओगे नीचे गिर जाएगी बिकॉज ऑफ इट्स वेट, लेकिन किसी ने क्या किया, नीचे मार्बल्स, बुलेट मार्बल्स जो मर्जी बोलो, गोलियां चलानी शुरू की, मार्बल्स फेंके, मार्बल जाता है हिट करता है वापस आता है, मार्बल जाता है हिट करता है वापस आता है, 1 सेकंड में 10 marble गिर दिए, डिस्क नीचे गिर नहीं पा रही क्योंकि मार्बल हमेशा मार्बल ही मार्बल आ रहे हैं, तो क्या लगा रहा है फोर्स। तो अगर ये डिस्क रेस्ट पे है तो मार्बल की लगाई हुई ऊपर की फोर्स इज बैलेंस्ड बाय डिस्क का वेट, तो डिस्क रेस्ट पे रहेगी, और वो बोल रहा है डिस्क रेस्ट पे, तो आपको ये बताना है कि मार्बल की वेलोसिटी क्या है। तो क्वेश्चन यही है, डिस्क जिसका मास 10 g है, केप्ट फ्लोटिंग हॉरिजॉन्टली रेस्ट पे है बाय थ्रोइंग 10 marbles per second, तो 10 marble गिरे हैं 1 second के अंदर, अगेंस्ट इट फ्रॉम द बिलो, नीचे से गिरता है टक्कर मारता है मार्बल नीचे आता है, फिर गिरता है टक्कर मारता है नीचे आता है, तो ऐसे 1 second में 10 बार जाता है और आता है। अब वो क्या कह रहे हैं,
ईच मार्बल 5 ग्राम का, डिस्क 10 ग्राम की है और मार्बल 5 ग्राम का है, फाइंड वेलोसिटी विद विच मार्बल स्ट्राइक द डिस्क नॉर्मली एंड रीबाउंड डाउनवर्ड्स। तो आपको बताना है मार्बल की वेलोसिटी क्या है। इस क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले आपको एक कॉन्सेप्ट और डिस्कस करना पड़ेगा, तब ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। कॉन्सेप्ट ये है कि जैसे सपोज करो ये एक दीवार है, एक वॉल है, ठीक, और सपोज ये एक बॉल है, तो ये बॉल आती है इस तरफ विद मोमेंटम ऑफ एम इन टू वी, ठीक, मोमेंटम आया और बॉल आई विद मोमेंटम एम वी, दीवार को हिट करती है और बॉल वापस रीबाउंड कर जाती है विद सेम मोमेंटम एम इन टू वी। तो इस बॉल का आने का मोमेंटम एम वी और टक्कर खा के जाने का मोमेंटम भी एम वी, एम वी एम वी। तो मेरा क्वेश्चन है फाइंड चेंज इन मोमेंटम, बोलो क्या होगा, चेंज इन मोमेंटम इज जीरो, नहीं जीरो नहीं है क्योंकि मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो आप क्या करेंगे, ये इसका इनिशियल मोमेंटम है, इसको पी आई लिख दें, पी आई का मतलब इनिशियल मोमेंटम है और पी एफ का मतलब फाइनल मोमेंटम है। तो चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो फाइनल मोमेंटम, देखो हम इधर की डायरेक्शन को हमेशा क्या मानते हैं, पॉजिटिव, और इधर को क्या मानते हैं, नेगेटिव। जैसे एक्स एक्सिस पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है। तो फाइनल मोमेंटम में से इनिशियल मोमेंटम माइनस करेंगे चेंज इन मोमेंटम, तो फाइनल मोमेंटम में माइनस एम वी आएगा क्योंकि इसकी डायरेक्शन कहाँ है, टूवर्ड्स लेफ्ट, और इनिशियल मोमेंटम कितना है, एम वी, तो इनको माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा, माइनस टू एम वी। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक, जीरो नहीं बोलना, माइनस टू एम वी। कई लोगों को ना माइनस लगाने में प्रॉब्लम होती है, याद नहीं रहता, समझ नहीं आता कब माइनस, कोई बात नहीं, मेरे पास एक और मेथड है, इसे बेटर मेथड है, आपको माइनस साइन याद करने की जरूरत नहीं तो भी आंसर सही आएगा। तो सेकंड मेथड ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। ये आपके पास फिर से एक बॉल दीवार है, ये बॉल है, तो ये बॉल मान लो इस तरफ आ रही है, फिर ये इस तरफ जा रही है, ये देखो, तो इसका मोमेंटम कितना, इनिशियल एम वी, फाइनल कितना है, एम वी। क्लियर है यहाँ तक। तो इसके अंदर अब क्या करना है आपको, इसके अंदर जो इनिशियल मोमेंटम वेक्टर फॉर्म में लेते हैं, वेक्टर क्या होता है, वैल्यू और पीछे क्या लगेगी, डायरेक्शन। तो इसकी डायरेक्शन कहाँ पर है, अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो पीछे क्या लगा दिया, आई कैप। अच्छा इधर देखें, फाइनल मोमेंटम वेक्टर बोलो क्या होगा, एम वी, पीछे बोलो क्या लगेगा, माइनस आई कैप। तो वो माइनस याद रखने की जरूरत ही नहीं है, आई कैप माइनस आई कैप अपना साइन एडजस्ट करेगा। अब वेक्टर फॉर्म में आपको क्या निकालना है, चेंज इन मोमेंटम वेक्टर, तो क्या आएगा, पी एफ वेक्टर माइनस पी आई वेक्टर। तो फाइनल मोमेंटम वेक्टर बोलो कितना है, माइनस एम वी आई कैप, ये रहा, और इनिशियल मोमेंटम बोलो कितना है, एम वी इंटू आई कैप। सॉल्व करके क्या आएगा, माइनस टू एम वी इंटू आई कैप। तो क्लियर है यहां तक। तो यहां से डेल्टा पी वेक्टर की फॉर्म में क्या आएगा, माइनस टू एम वी इंटू आई कैप। अगर मैं ये बोलूं कि डेल्टा पी वेक्टर का मॉड निकाल लो, वैल्यू निकाल लो, तो मैग्नीट्यूड सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा, 2 mv, क्योंकि i कैप 1 हो जाएगा, माइनस का मैग्नीट्यूड 1 है, तो आंसर 2 mv। क्लियर है यहाँ तक। ये दूसरा मेथड, कौन सा मेथड पसंद है, पहला, दूसरा, अब तीसरा मेथड। तीसरा मेथड, अगर आज के बाद बॉल मोमेंटम mv से आती है, टक्कर खा के mv से जाती है, तो चेंज इन मोमेंटम इज 2 mv। ये तीसरा मेथड, कुछ नहीं, कोई ना पूछता आपसे कैसे हुआ, तो आज के बाद तीसरा मेथड सबसे बेस्ट है। तो बॉल आएगी एम वी, बॉल जाएगी एम वी, बोलो चेंज इन मोमेंटम 2 mv, जीरो कोई नहीं बोलेगा। पॉइंट क्लियर है यहां तक, तीसरा मेथड सबसे बेस्ट मेथड है, ठीक, पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक, ठीक। ये आपको समझाने के लिए था कि कैसे कैसे करोगे आप, तो मैं 2 mv बोलूंगा आपको विश्वास नहीं होगा, पर आपको समझ में आ रहा है 2 mv कैसे है, पॉइंट समझ में आ रहा है। अब शुरू करते हैं, तो मेरा क्वेश्चन यही तो है, मेरा क्वेश्चन है कि मान लो ये आपके पास एक डिस्क है, डिस्क का मास कितने, 10 ग्राम है, तो ऑब्वियसली 10 × 10⁻³ kg है। डिस्क नीचे गिरेगी बिकॉज ऑफ इट्स वेट कैपिटल एम जी। डिस्क इसलिए ऊपर रहेगी क्योंकि ये मार्बल्स क्या लगाएंगे इसके ऊपर, फोर्स। कैसे लगाएंगे, मार्बल आएगा एम वी, वापस जाएगा एम वी, तो एक मार्बल का चेंज इन मोमेंटम कितना है, 2 mv, सीधा 2 mv।
क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट इसमें? ये डिस्क कब रेस्ट पे रहेगी? जब इस मार्बल की फोर्स इज बैलेंस्ड बाय वेट ऑफ डिस्क। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? क्या ये पॉइंट क्लियर है? तो मार्बल की जो फोर्स है और वेट ऑफ डिस्क बराबर है, तो ये याद रहे ये किसका वेट है? डिस्क का। और ये इक्वेशन किसके लिए चल रही है? मार्बल के लिए। क्लियर है यहां तक? फोर्स क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू डिस्क का वेट, राइट? चेंज इन मोमेंटम बुलेट का बोलो कितना है? न्यूमिनेटर 2mv, सीधा 2mv, बुलेट मार्बल गया, मार्बल नीचे आया, 2mv, ऐसे कितनी बुलेट्स गई एक सेकंड में? 10। तो टोटल मोमेंटम 10 बुलेट्स का 10 × 2mv, एक बुलेट का 2mv, 10 बुलेट का 10 × 2mv, तो टोटल चेंज मोमेंटम आ गया 10 बुलेट्स का, क्योंकि 10 बुलेट्स ने इसको रोक के रखा हुआ है, डिवाइडेड बाई टाइम। 10 बुलेट्स या 10 मार्बल कितनी देर में चलते हैं? एक सेकेंड में, तो टाइम की जगह 1 सेकेंड। मास ऑफ डिस्क इंटू जी, तो आपको इस क्वेश्चन में मास ऑफ डिस्क गिवन है 10 ग्राम, ये लो। आपको इस क्वेश्चन में मास ऑफ बुलेट गिवन है 5 ग्राम, ये लो। सॉल्व करके वी कैन बी कैलकुलेटेड आंसर। क्या ये पॉइंट क्लियर है? मैंने अपने सॉल्यूशन में ऐसा मार्क नहीं किया, लिख सकते हो कहीं किसी और तरीके से सॉल्व किया है।